Hello everyone, I welcome you all back to the channel. I guess it has been around 2 months since I have made a video. So I welcome you all in today's video, where we will talk about a very important topic, that is MBBS final year study guide, right? So I have made one or two video regarding the final year, but that was when you were guys in third year. So now this is for 2019 batch who are starting fresh their final year. So this will be a guide for you. So जैसे कि final year भी काफ़ी vast है, उसी type से videos भी काफ़ी vast रहेंगे related to guidance. एक video में it's not possible. So we will cover it in at least 5 to 10 parts depending on your guys' response, right? तो पहला चीज़ will be introduction कि कैसे क्या difference है final year में, how you have to approach it. Second में how you have to balance it with your NEET or next preparation which you are right now not very clear. Then third is subject wise strategies, and then fourth mein there will be time saving shortcuts, and then after that some teaching videos, maybe medicine ki, maybe surgery ki, kuch topics mein padha dunga, right? So before we begin, please subscribe to the channel to never miss update, aur jitna acha aap is pe response karoge utna acha, you know, we will make the next videos very quick. And this is my Instagram handle, MedShorts. If you have any query, you can DM me surely. So now let's begin with respect to batch 2019, right? So abhi like if you are in final year, so there will be three things that you need to do apart from your social life, right? First will be your classes, college classes, and then theory books related to every subject. Okay, then there are coaching apps. Nowadays everyone has some or the other platform, so you might be using some of the coaching apps, right? And then third is your hospital postings and practicals, right? So now in final year, these things are very strict. मतलब maybe in third year आप ज़्यादा hospital नहीं भी जाते हो, but final year में usually I guess हर दिन नहीं भी तो आपको हफ्ते में 3-4 दिन जाना रहता है, right? And it's worth it. मतलब it's not utter time waste, ऐसा कुछ है. तो इट यू कैन श्योरली लर्न फ्रॉम देयर, बट नाउ द इशू इज हाउ मच टू लर्न एंड यू नो हाउ वेल टू लर्न, राइट? सो फॉर दैट बेसिकली योर टू गोल्स आर देयर. यू हैव टू अल्टीमेटली गेट योर प्रॉफ पास, है ना, डॉक्टर बनना है. और अभी क्लियर नहीं है आपको कि नेक्स्ट होने वाली नीट होने वाली, अभी कुछ भी नहीं पता है, हो सकता है अनसर्टेनिटीज है. तो लेट्स लीव दैट मैटर अभी एज ऑफ नाउ. सो वॉट वी हैव डन इज आई हैव मेड यू अ 3 month प्लान, ओके? तो ए रिस्पेक्टिव अगर नेक्स्ट होती है, नीट होती है, 3 महीने में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट? तो इसकी बजाय हम 3 महीने पढ़ाई करते हैं और उसके बाद देखेंगे जो भी होगा, राइट? सो नाउ व्हेन इट कम्स टू समथिंग विच इज़ नॉट वेरी सर्टेन या टाइम कम है, तो इट्स बेटर टू प्रायोरिटाइज. तो अभी आप ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते हो जो आपको बाद में लगी ये मैंने क्यों कर ली, दिस वॉज वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टारगेट द मेजर 3 subjects, मेडिसिन, सर्जरी एंड ऑब्सगाइनी. अगर आपका ये अच्छे से हम कर लेते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, तो पीडियाट्रिक्स और इवन बाकी सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स भी काफ़ी हद तक हम कर पाएंगे, राइट? सो नाउ वी विल सी द लर्निंग अप्रोच, राइट? सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ सर्जरी. आई विल नॉट डू फर्स्ट मेडिसिन, नहीं तो आप वहीं घबरा जाओगे, राइट? तो सर्जरी में क्या है, सर्जरी में बेसिकली आपको ये चीज़ अब समझ में आना चाहिए. अभी नहीं आएगी, बहुत लेट आएगी, बट आई एम टेलिंग यू प्रीवियसली ओनली कि सर्जरी में देयर आर बेसिकली 3 चीज़ों में आप बांट सकते हो सर्जरी को. एक जनरल, जिसमें आपका ट्रॉमा आ गया, जनरल सर्जरी आ गया, है ना, वो सारी चीज़ आ गई. देन देयर आर अदर्स, जिसमें आपका ब्रेस्ट, एंडोक्राइन, सारा पूरा वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है. इवन यूरोलॉजी को भी आप वहीं रख दें, तो बाकी सारी चीज़ें. एंड देन प्रॉपर GIT, राइट? GIT इसमें सब चीज़ आ गई, आपका गॉल ब्लैडर से लेके ईसोफेगस तक पूरा. तो सर्जरी में GIT इज द मेजर चंक. नाउ दिस इज ट्रू फॉर योर प्रॉफ एग्जाम एज वेल, फॉर योर नीट, नेक्स्ट, वॉट एवर हैपन्स फॉर दैट एज वेल. पैटर्न लगभग, मतलब पैटर्न माइट चेंज, बट द कॉन्सेप्ट एंड द वेटेज ऑफ टॉपिक शुड नॉट चेंज, राइट? सो वी विल प्ले सेफ गेम. हमारे पास टाइम कम है, तो हम स्टार्ट करेंगे GIT से, राइट? सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज इफ यू आर अ फ्रेश समवन जो स्टार्ट कर रहा है सर्जरी, तो वो यूजुअली क्या सोचेगा, जनरल सर्जरी से स्टार्ट करता हूँ. तो इट्स नो हार्म कि जनरल सर्जरी से आप स्टार्ट करो, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है कि आप जनरल सर्जरी नहीं पढ़ोगे. जैसे फार्मा में फिर भी जिसम होता था ना, जनरल फार्मा नहीं पढ़ा तो हो सकता है ANS समझ में नहीं आए. सर्जरी में ऐसा कुछ लेवल पे तो ऑब्वियसली होगा, बिकॉज जनरल सर्जरी इज द फाउंडेशन. बट अगर आपके पास टाइम कम है या आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करना चाह रहे हैं, बिकॉज क्या होगा ना कि आप शुरू में जो भी चीज़ पढ़ते हैं आप उसको बहुत टाइम देते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है ऑब्वियसली. फिर विद टाइम आप डाइल्यूट होता जाता है, राइट? तो हम ये नहीं चाहते कि जो हमारा अभी गोल्डन पीरियड है वो हम जनरल में ही डाइल्यूट कर दें, कि हम 1 महीना जनरल सर्जरी पढ़ते रह गए और फिर हम जो मेन पार्ट है GIT उसमें से हमने गॉल ब्लैडर पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ कोलेंजियोकार्सिनोमा पढ़ा, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप GIT पे फोकस करो. सो वॉट आई विल सजेस्ट यू इज फ्रीक्वेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेप्थ, ओके? अभी क्या होगा कि सर्जरी में या इवन कोई भी आप मेजर सब्जेक्ट लोगे फाइनल ईयर का, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आपने थर्ड ईयर में पढ़ रखा है, जैसे कि थर्ड ईयर में भी मैंने आपसे एक प्लान शेयर किया था,
अगर आपने थर्ड ईयर में पढ़ रखा है तो इट्स डिफरेंट। अगर आप पहली बार, मेरे ख्याल से 60-70% स्टूडेंट्स अभी पहली बार उठाते हैं या उन्होंने थर्ड ईयर में बहुत इररेगुलर कर रखा होता है तो कोई मतलब नहीं होता, वापस ही करना पड़ता है। तो अब जब आप पहली बार पढ़ते हो ना वो चीज़, तो आपको जैसे 100 टॉपिक है ना, तो 100 टॉपिक में आपको 5-6 टॉपिक आप पढ़ोगे आपका दिमाग ऐसा सेचूरेट हो जाएगा कि इतना सारा पढ़ना है, राइट। पर इसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कुछ याद नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप जैसे भी करके, आपको नहीं याद हो रहा अगर आप कोई वीडियो देखते हो, अगर आप खुद से पढ़ते हो आपको नहीं भी याद हो रहा है, तो आप एक बार के वो 100 टॉपिक ख़त्म कर लो और दूसरी बार फिर से जल्दी जल्दी जो भी है आपको रिवाइज करना है, अब आपको समझ में भी आ जाएगा क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से रिवाइज करो। व्हाट आई वांट टू से इज़ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सर्जरी 3 महीने में सपोज़ करो एक बार पढ़ पा रहे हो और अगले 3 महीने में आप उसको 2 बार रिवाइज कर पा रहे हो, सो दैट इज़ फार मोर यू नो इम्पॉर्टेंट रादर देन कि हम एक ही जो है मतलब पोर्शन उसको पूरा कर भी नहीं पाए, बस GIT पढ़ते रह जाए बाकी सब छूट जाए, है ना। तो आपको जल्दी से एक बार ख़त्म करना है फिर उसको आप सिलेक्टिवली जो है रिवाइज करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डोंट गेट लॉस्ट। तो लॉस्ट का मतलब क्या है कि सपोज आपको 30 डेज में सर्जरी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होगा नहीं बट सपोज आपको 30 डेज में कोई सब्जेक्ट करना है, ठीक है, आप दिन का 2-3 घंटा पढ़ पा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस, आप इतना सारा नहीं पढ़ सकते ये आपको ही पता है। सो अगर आप दिन का 2 आवर्स पढ़ेंगे तो 60 आवर्स का आपका जो है ऑप्टिमम वो सर्जरी का वो पर्टिकुलर पोर्शन रहेगा, ठीक है। अब कोई भी आप ऐप में देखोगे तो 60 आवर 80 आवर के लेक्चर रहेंगे सर्जरी के, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फर्स्ट रीडिंग जो आपका एक वीडियो वॉचिंग है या जो भी आपका पैटर्न है वो आपका हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर मंथ, राइट। अब इसके बाद आपने क्या करा कि आपने उसमें सुन सारा लिया बट भाई आपने कुछ याद नहीं किया क्योंकि आपको नहीं याद होगा बिकॉज इट इज़ ओवरवेलमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड रीडिंग में आप जब करोगे तो अब आप यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकट्ठा कर सकते हो और ये आप दोनों के लिए करोगे, मतलब अगर आपकी नेक्स्ट होती है तो भी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट के लिए, ओके। अगर आपका प्रॉफ है तो प्रॉफ की लिस्ट तो आपके पास होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो सेकेंड रीडिंग में आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज करना है और आपका एक लिंक बना हुआ है, आपको पूरा एक बेस फाउंडेशन पता है तो दैट यू कैन बी डन। तो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ सर्जरी। अभी डिटेल्ड सर्जरी कैसे पढ़ना है इस पर वीडियो में बनाऊंगा अगले पार्ट में, राइट। देन एक ओवरव्यू ऑफ ऑब्सगाइनी। तो ऑब्सगाइनी में ऑब्स और गाइनी, ठीक है। तो ऑब्स गाइनी के मैं पहले ही रूल्स बता देता हूँ, तो इट इज़ द स्मूथेस्ट गोइंग, राइट। मतलब अगर फाइनल ईयर में कई बार ऐसा होता है पीडिया और ऑब्स गाइनी से ही, मतलब जो आप सर्जरी मेडिसिन से बोर हो जाते हो आप पीडिया ऑब्स गाइनी पढ़ सकते हो, राइट। तो काफ़ी स्मूथ गोइंग है, ईजी टू रिवाइज है ना, और प्रैक्टिकल पोस्टिंग में सबसे ज़्यादा समझ में आता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि आप जो पढ़ के जाओगे आपको सीधे सीधे जो है कोरिलेट हो जाएगा। सर्जरी में तो आप सर्जरी सारी तो देख नहीं सकते, प्रोसीजर्स नहीं देख सकते, आप बस क्लिनिकल फीचर्स और वो देख सकते हो, बट ऑब्स गाइनी वन सच ब्रांच जिसमें आप जाओगे तो आपको बहुत मतलब यू नो एक रिलेटिबिलिटी लगेगी उसमें जो आपने पढ़ा है। तो ऑब्स गाइनी में अगर पहले हम ऑब्स की बात कर लेते हैं, गाइनी फिर बाद में देखेंगे। तो ऑब्स में प्री बर्थ, बर्थ और पोस्ट बर्थ, राइट। अब बर्थ में प्रॉपर लेबर आ गया आपका, लेबर मैकेनिज्म, ये सब प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा पूछा जाता है, और पोस्ट बर्थ में, पोस्ट बर्थ से इतना कुछ आता नहीं है, तो मेन आपको प्री बर्थ रिलेटेड चीज़ें जानना है जिसमें सब आ गया, मोलार प्रेगनेंसी, ट्विंस आ गया, आपके सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, तो आपको इस पार्ट पे फोकस करना है। तो इसका मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि अगर आप सर्जरी में कुछ नहीं कर पा रहे हो अभी, जैसे 1-2 महीना आपका मन नहीं लग रहा है या जो भी रीज़न है, आप सिर्फ GIT कर लो, आप ऑब्स गाइनी में अभी सिर्फ प्री बर्थ वाली कंडीशंस कर लो, आपको लग रहा है कि अभी टाइम कम है या जो भी है मतलब नेक्स्ट का अनसर्टेनिटी जो भी है, तो यू कैन जस्ट यू नो इसके बाद आप वो चीज़ें कर सकते हो। गाइनी में भी सिमिलरली बेसिक गाइनी है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये सब चीज़ें आती है जो कि इतना कहीं पूछा नहीं जाता, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक कंसेप्ट, और अगेन कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बट वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज पैथोलॉजीज, तो इसमें सारी चीज़ें आ गई आपकी, एंडोमेट्रियोसिस, PCOS, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, और जो है गायनी में पर्टिकुलरली जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, मलेरियन अनोमलीज, ये सब चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ओके दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चंक, राइट। एंड देन इन द कैंसर्स, गायनेकोलॉजी में कैंसर भी काफ़ी, मतलब CA सर्विक्स, तो एवरी एग्जाम विल हैव अ क्वेश्चन ऑन CA सर्विक्स, राइट, चाहे वो नेक्स्ट हो जाए, नीट हो जाए, आपकी प्रॉफ हो जाए, तो आपको ये स्मार्टली करना है, बिकॉज अगेन मैंने ऐसा कहा कि जितना आप प्रायोरिटाइज करोगे ना, हमको शुरू में क्या लगता है कि हम सारा सिलेबस कर लेंगे। अगर आप ऑब्स गाइनी की कोई भी ऐप, कोचिंग ऐप खोल लोगे, आपको लगेगा कि अच्छा इतने सपोज 80 आवर्स का है, मैं एवरीडे 2 आवर्स करके 40 दिन में ख़त्म कर लूँगा, बट नहीं होगा,
राइट, बिकॉज हम जब प्लान करते हैं हमको लगता है सब अच्छा है, बट जब हम करने बैठते हैं तो हमको पता चलता है कुछ भी अच्छा नहीं है। तो वो तो आपको ही पता है कि आपकी फाइनल एग्जाम के एक दिन पहले तक आप पढ़ते रहोगे, तो आपको जब पता ही ये चीज़, तो उसको ऐसे करो ना कि पहले अच्छी चीज़ें पढ़ लो, ताकि जो आपका बेसिक बेसिक है वो मतलब कंसेप्चुअल पार्ट आप करो, बट जो आपको ऐसा लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाद में कर सकते हैं। राइट, अगेन ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब है ना बहुत जैसे बेसिक चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ी, तो आपको मुलेरियन एनोमली समझ नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको आ जाएगी समझ में। और ऐसा मतलब एज सच ये ज़रूरी नहीं है हर बार कि हम अच्छा शुरू से ही करें, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड कि अच्छा शुरू से करते हैं, बट उसके लिए फिर आपको पेस भी बना के रखना चाहिए। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वाले लोग हैं जिनका पेस नहीं बन पाता, तो वो ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। देन कमिंग टू मेडिसिन, राइट, सो मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन में अब क्या होता है, मेडिसिन में तो पूरा खेल ही बदल जाता है, मैंने मेडिसिन आपको इसलिए अभी तक नहीं बताया, मेडिसिन में प्रॉफ और कॉम्पिटिव एग्जाम बिल्कुल अलग है। राइट, अगर आप कोई भी, जैसे मैं इंटर्न हूँ, आप किसी भी इंटर्न से पूछोगे जो नीट पीजी इस बार दिया है, तो प्रॉफ में बहुत अलग होता है, मेडिसिन आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, लगभग सब पढ़ना पड़ता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी जैसे नीट पीजी का जो पैटर्न है उसमें कोर मेडिसिन के टॉपिक्स कम आते हैं, मेडिसिन कई बार फार्मा से बन जाती है आपको, कई बार पैथो से बन जाती है, कई बार बेसिक यूं ही बन जाती है, तो यूजुअली कॉम्पिटिटिव में ECG ABG ऐसे ऐसे टॉपिक्स अलग से पढ़ के चले जाते हैं मेडिसिन के, और जितना हो पाता है उतना रिवाइज करते हैं, ऐसे एक्सक्लूसिवली मेडिसिन नहीं पढ़ पाते टाइम कम होने के कारण। तो यही चीज़ आपको भी समझना है कि मेडिसिन अभी आप कॉम्पिटिटिव का मत सोचो, मतलब अभी मेडिसिन आप नीट नेक्स्ट कुछ भी एग्जाम हो उसके लिए मत सोचो, ठीक है, क्योंकि तब आप पैथो फार्मा भी रिवाइज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, अभी आप बस जो आपके हाथ में प्रॉफ वो सोचो, और जितना ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, तो पढ़ाई तो कभी वेस्ट होगी नहीं। राइट, तो इसमें हम प्रोटोटाइप में आपको बता रहा हूँ कि किस यूनिट से आपको स्टार्ट करना है, तो आप CVS CNS उठा लोगे तो आप पहले ही डर जाओगे। राइट, तो स्टार्ट विद द वेरी इजीएस्ट यूनिट, GIT या रेस्पिरेटरी, कोई भी एक यूनिट आपको जो मनपसंद का हो उससे आप उठा लो, और उससे आप ये समझो कि मेडिसिन पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो अगेन ये डिटेल्ड वीडियोस में सारा आएगा कैसे पढ़ना है, बट हम ये ऑर्डर फॉलो करना चाहते हैं कि GIT आप पहले पढ़ लो जिससे आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आप CNS, रीनल और CVS और मिसलेनियस में आपका र्यूमेटोलॉजी आ गया, ब्लड आ गया, ये सब चीज़ आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि हम जब तक यहाँ तक आएंगे, मतलब CVS तक आएंगे ना, तब तक आपको ऑलरेडी चीज़ों का समझ में आ जाएगा कि मेडिसिन पढ़ना कैसे है ना, तो आपका वो जो सारा ECG है, सारा वो वाला पार्ट है, वो देख के आपको डर नहीं लगेगा। ऑन दी अदर हैंड इंपॉर्टेंस वाइज CNS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका वो पहले भी कवर हो जाएगा। तो आई होप दिस ओवरव्यू वीडियो वर्क फॉर यू। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करो, मुझे भी थोड़ा समझ में आता है कि आपको क्या क्वेरी है, तो मैं उसको एड्रेस करूँ अगले वीडियो में। और ये सीरीज ऑफ वीडियोज़ है, तो मेक श्योर यू वॉच दी अदर वीडियोज एज वेल, एंड प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज काफ़ी टाइम से चैनल इनएक्टिव था, तो आई थिंक थोड़ा रिकमेंडेशन में भी कमी आएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज अगेन, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।